दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5th। तो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है हमको, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमको प्रूफ किस क्या करना है, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो आपको यहाँ पर LHS मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है, इसको हमेशा साइन या फिर साइन में या फिर कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है उसको साइन या कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉसेक एक्स दिया है, कॉसेक थीटा दिया है, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 अपॉन साइन थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूले आपने इस एक्सरसाइज में पढ़े होंगे। ठीक है, क्या होता है स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, कॉसेक थीटा को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर ही रहने दिया। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, अपॉन में तो साइन थीटा ही रहेगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, और होल स्क्वायर सिंपल वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब आते हैं, अब क्या कर दो, ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर को बांट दो, ऊपर भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन साइन में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। ये देखो, यहाँ पर ये होल का स्क्वायर था, इसलिए मैंने अपॉन में भी स्क्वायर कर दिया और ऊपर भी स्क्वायर कर दिया, बात तो एक ही है। तो देखिए, आप आगे सॉल्व करते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अपॉन में हम आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, इसको वैसे ही रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस पे भी स्क्वायर लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा, लेकिन एक फॉर्मूला बन रहा है, ये है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में। तो देखिए, अब अपॉन में क्या कर देंगे, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा गया, तो आपके पास आंसर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, RHS, देखो यही प्रूव करना था हमको, इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा में, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये RHS आ गया हमारे पास, तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसको लिख दो, हेंस प्रूफ।